झारखंड के सभी महिलाओं को मिलेगा 25,000 रुपये सालाना। और ये सही बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का आदेश है कि झारखंड के जितने भी महिला हैं सभी को 2100 रुपये प्रति माह यानी कि साल का 25,000 मिल जाएगा, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसे देने का यह कारण है कि जो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं मैया सम्मान निधि योजना के तहत 1,000 रुपये अकाउंट में दे रहे हैं। तो भाजपा सरकार ने भी फैसला किया है कि वो 2100 रुपये हर महिलाओं को अकाउंट में प्रदान करेंगे। इसके लिए झारखंड के सभी महिलाओं को गोगो दीदी योजना वाला फॉर्म भरना है और जमा करना है। इसका लाभ वही महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी होंगे, आवेदिका के परिवार आय टैक्स के दायरे में ना आते हों, पारिवारिक वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गोगो दीदी योजना भाजपा सरकार की झारखंड में रहने वाली महिलाओं के लिए एक सरकारी पहल, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना और स्वावलंबी बनाना है। झारखंड की महिलाओं के खाते में हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपये DBT के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अगर आप गोगो दीदी योजना वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो मिल जाएगा, उसे देख के आप घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी देंगे नया स्कीम के बारे में, उसमें युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता किस तरह से मिलेगा और कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो चर्चा करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।